डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स न्यूज़ पार्ट 30। इनकम टैक्स के सेक्शन 142(1) क्लोज 2 एंड 3 के अंतर्गत इनकम टैक्स का नोटिस किस प्रकार इशू किया जाएगा, इसके लिए नया फॉर्मेट रिलीज कर दिया गया है। सेक्शन 142 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि असेसमेंट करने से पहले इंक्वायरी किस प्रकार की जाएगी। इसमें यह कहा गया है कि यदि असेसिंग ऑफिसर को किसी अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है तो वह एसएससी से कह सकता है कि वैसे प्रोड्यूस करे, या फिर किसी डॉक्यूमेंट की राइटिंग में आवश्यकता है जिसे के वेरीफाई किया जाए प्रिस्क्राइब मैनर में, उसे भी असेसिंग ऑफिसर जो है एसएससी से ले सकता है। सीबीडीटी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो लास्ट ईयर से स्टार्ट की गई थी, यानी कि 2017 से, जिसे के धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। अब ई असेसमेंट प्रोसीडिंग ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू की जाएगी, यानी कि इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। सीबीडीटी ने इसके लिए इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2018 इशू की थी ऑन 12 फरवरी 2018, जिसमें कहा गया था कि सर्च रिलेटेड असेसमेंट और एक्सेप्शनल नेचर की छोड़कर बाकी सभी जो पेंडिंग स्क्रूटनी असेसमेंट हैं वो ई प्रोसीडिंग के थ्रू ही कंडक्ट की जाएंगी ऑन ITBA और ई फाइलिंग फंक्शनैलिटी। इसके लिए अब CBDT ने नई इंस्ट्रक्शन इशू की हैं ITBA ओब्लिक असेसमेंट नोटिस 142/1/2017-18 डेटेड 19 मार्च 2018। ई असेसमेंट को करने के लिए CBDT ने इंस्ट्रक्शन इशू की थी ऑन 23 जून 2017, जिसमें के सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर नोटिसेज को किस प्रकार इशू करना है, इसके लिए रिवाइज फॉर्मेट इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोटिसेज की जो लैंग्वेज है उसे किस प्रकार ड्राफ्ट करना है। CBDT ने यह भी कहा है कि यदि अब आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट लगती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिजिकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो डिटेल है इस इंस्ट्रक्शन में दी गई है। सेक्शन 143 इनकम टैक्स एक्ट का असेसमेंट से डील करता है। यहाँ पे सब सेक्शन 2 दिया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि असेसिंग ऑफिसर किन केसेस में नोटिस इशू कर सकता है। ई असेसमेंट को करने के लिए सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो नोटिस इशू करना होता है उसके फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं किए गए थे और वहाँ पे जो पुराना फॉर्मेट है वही कंटिन्यू किया गया था। लेकिन अब इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए ये जो नोटिस का फॉर्मेट है इसे रिवाइज कर दिया गया है। अब सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 क्लोज 2 और 3 के अंतर्गत जो नोटिस इशू करने हैं उसके लिए फॉर्मेट को रिवाइज कर दिया गया है। इस रिवाइज फॉर्मेट में वही लैंग्वेज डाली गई है जो कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के नोटिस के लिए दी गई थी। इस प्रकार अब टैक्स पेयर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं और अब उन्हें इनकम टैक्स ऑफिस को विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जो रिक्वायरमेंट है वो ITBA के सिस्टम पर भी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। इसलिए अब सभी असेसिंग ऑफिसर को जो नया रिवाइज फॉर्मेट दिया गया है उसके अंतर्गत ही नोटिस इशू करने हैं ताकि ई असेसमेंट प्रोसीडिंग की जा सके। यह है नया फॉर्मेट जो कि रिवाइज किया गया है नोटिस इशू करने के लिए। इसमें यह मेंशन किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई एविडेंस या इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है स्क्रूटनी असेसमेंट से रिलेटेड, तो वह ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इसे ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत जो है वो फाइल कर सकता है। इसके लिए उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ई फाइलिंग की वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो उस केस में जो असेसमेंट प्रोसीडिंग है वो ईमेल के थ्रू या फिर मैन्युअली जो है वो की जाएगी। लेकिन यदि जो ऑर्डर है वो सेक्शन 143A या 143C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पास किया जाएगा या सेक्शन 143(3) के अंतर्गत जो है असेसमेंट प्रोसीडिंग की जाएगी तो वह मैन्युअली की जाएगी। यदि एसएससी को नोटिस 142 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 एंड 2 के अंतर्गत जो है ओल्ड फॉर्मेट में इशू किए गए हैं उस केस में एसएससी को यदि ये कहा गया है कि वह अपनी इन्फॉर्मेशन उस डेट तक असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करे जो कि नोटिस में मेंशन की गई है, उस केस में भी सभी एसएससी को SMS और ईमेल के द्वारा
या कहा जाएगा कि वे अपनी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करें ई फाइलिंग वेबसाइट पर इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। यदि कोई एसएससी ओल्ड फॉर्मेट में नोटिस के अगेंस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ई फाइलिंग अकाउंट में सबमिट कर देता है तो इसे भी वैलिड माना जाएगा। इनकम टैक्स के अंदर ई प्रोसीडिंग को ऑप्ट करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, इसके लिए आप हमारे इनकम टैक्स न्यूज़ पार्ट 22 को रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ऊपर नई बुक्स मार्केट में रिलीज कर दी गई हैं, डायरेक्ट टैक्स रेडी रेकनर बाय डॉक्टर विनोद के संघानिया, असेसमेंट ईयर 1890 एंड 1920। इसी प्रकार गाइड टू टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एज पर फाइनेंस बिल 2018। इन बुक्स को रेफर करने के लिए आप हमारी taxseal.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं, बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें, जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।